नमस्ते दर्शकों एवं श्रोताओं, जैसे कि हम जानते हैं प्रेजेंट टाइम में यानी वर्तमान समय में कोटा का नाम विश्व विख्यात हो गया और इसमें योगदान है यहाँ के कोचिंग सेंटर्स का और उनमें भी सबसे ज्यादा सुविख्यात करने का योगदान जाता है एलन कैरियर इंस्टीट्यूट को। अभी आप देखें फेसबुक हो या यूट्यूब, सब में कोटा ही छाया हुआ है। सब जगह आप देखें तो जो भी पढ़ने वाला बच्चा है वो कोटा के बारे में जरूर जानना चाहता है। हर जगह कोटा छाया हुआ है, कोटा अपनी पहचान बना चुका है, ना केवल भारत में विश्व पटल पर भी अपनी पहचान बनाई है। यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व जो है, कोटा को वर्ल्ड में 7वें नंबर पर ले आया है। वर्टिकल डेवलपमेंट होने से कोटा जो है दुनिया में, विश्व में पॉपुलेशन डेंसिटी के मामले में 7वें नंबर पर आ गया है। उसका पूरा क्रेडिट जाता है, योगदान बच्चों को जाता है। भारत का सर्वाधिक युवा वर्तमान में कोटा में बसा हुआ है और इसे ऊर्जावान बना रहा है। जिस ओर देखो बस पढ़ने वाले बच्चे ही बच्चे, हॉस्टल्स, मेस, खाना खाने की व्यवस्था के लिए कोचिंग क्लासेस, यही सब नजर आते हैं। जहां देखो कोटा में, क्योंकि यहाँ की इंडस्ट्रीज तो खत्म हो गई, अब सिर्फ यही बचा है। मैं खुद कोटा में पैदा हुआ, यहीं पर मेरी सारी स्कूल की पढ़ाई, कॉलेज, और फिर मैंने 1992 से पढ़ाना शुरू किया। टेबल से पढ़ाना शुरू करके बच्चों को टेबल के आसपास बिठाकर यहाँ से शुरू किया था। फिर चार्ट वाला बोर्ड वो इस्तेमाल किया, बत्ती से लिखा, ग्लास बोर्ड चौक वो यूज किया। धीरे धीरे डेवलपमेंट, व्हाइट बोर्ड मार्कर पे आए, ओवरहेड प्रोजेक्टर का इस्तेमाल किया, फिर स्लाइड प्रोजेक्टर का इस्तेमाल किया। खुद का इंस्टीट्यूट सिर्फ फिजिक्स के लिए 1992 से 2008 तक चलाया न्यू टेक के नाम से, और फिर 2009 से मैं एलन में पढ़ा रहा हूँ। और कोचिंग के सफर का, कोटा का जो कोचिंग का सफर है, उसका मैं हम सफर यानी गवाह हूँ एज ए टीचर, फिजिक्स टीचर। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जिस तरह से चीन में बच्चा 6 महीने का होते ही जिनको जिमनास्ट बनाना होता है उनकी वैसी ही, जिनको तैराक बनाना होता है उनकी वैसी ट्रेनिंग शुरू कर दी जाती है, तभी चीन ओलंपिक में सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल ले जाता है। सबसे ज्यादा मेडल चीन के नाम पे होते हैं। ऐसा क्यों होता है? उसका रीजन हम समझ सकते हैं, एक्सपर्टीज कम फ्रॉम एक्सपीरियंस, क्योंकि समय बढ़ने के साथ साथ उन बच्चों का एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है। एक्सपीरियंस कम्स फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स, कई तरह के एक्सपेरिमेंट्स वो करते हैं। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट एंड फास्टर और तेज होते जाते हैं और कुशल होते जाते हैं। उसमें कौशल का विकास होता जाता है, स्किलफुल होते चले जाते हैं। टाइम सेविंग रिजल्ट्स इन सेविंग ऑफ ऑल अदर रिसोर्सेज सच एज मटेरियल मनी एफर्ट्स, क्योंकि जैसे जैसे व्यक्ति उसमें एक्सपर्ट पारंगत होता चले जाता है किसी भी कला में, चाहे वो कोई सी भी कला हो, तो कम समय में उसे कर पाता है, कम एफर्ट उसका लगता है। हम में से भी सभी ये चाहते हैं, ऑल ऑफ अस वांट्स टू गेट ट्रीटमेंट फ्रॉम एक्सपर्ट्स, एज एक्सपर्ट्स कैन इम्पार्ट और ट्रांसफर देयर स्किल विद लीस पेन, विद हाई एफिशिएंसी एंड लीस चांसेस ऑफ फेलियर। हम सब एक्सपर्ट्स के साथ डील करना चाहते हैं, जो अकुशल लोग हैं, जो विकसित नहीं हैं, उनके साथ हम डील नहीं करना चाहते। तो मैं कहूंगा कि कोटा में भी अलग अलग तरह के कंपटीशन की पढ़ाई को लेकर एक्सपर्टीज डेवलप हो गई है। एक लेक्चरर एक ही विषय के सेम लेक्चर को एक ही दिन में 4 अलग अलग बैच में डिफरेंट स्पीड में, क्योंकि उस बैच के बच्चों के समझने की स्पीड के हिसाब से उसे पढ़ाना होता है, अलग अलग स्पीड पर दोहराता है। तो जो स्किल कौशल उसमें डेवलप होता है वो किसी चमत्कार से कम नहीं, जो कि उसे एक जादूगर बना देता है। ये वैसे ही है जैसे हम किसी को दो ऊंचे बिल्डिंग्स के बीच बंधे
बंधी रस्सी पर चलता देखें तो हमें लगता है तो चमत्कार है, पर ये सब हम जानते हैं प्रैक्टिस और स्किल का नतीजा है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोटा वर्तमान समय का नालंदा या तक्षशिला बन चुका है, जो कि पढ़ने वाले बच्चों के लिए यानी जिनको पढ़ने में मजा आता है उनके लिए एक कल्प वृक्ष के समान है। सो थैंक्स टू कोटा एंड थैंक्स टू यू माय डियर स्टूडेंट्स। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।